नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आज ईडी करेगी सीएम हेमंत से पूछताछ, विधायकों को मुख्यमंत्री आवास में रहने का निर्देश। झारखंड की राजनीति तेजी से करवट ले रही है। मंगलवार देर शाम सत्ता पक्ष के विधायकों की सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक हुई। इसमें ईडी की कार्रवाई के बाद पैदा होने वाली स्थिति से निपटने को लेकर रणनीति बनी। सत्ता पक्ष के विधायकों से समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर लिए गए। इसमें फिलहाल किसी संभावित नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं है। इस मौके पर विधायकों ने आने वाले समय में निर्णय के लिए हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया है। विधायकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारे निर्णय के साथ हैं। हमारे ऊपर आपका विश्वास ही मेरी ताकत है। हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं किसी का नाम प्रस्तावित करता हूँ तो आपका समर्थन होगा। उन्होंने कहा, मुझे परेशान करने की लगातार कोशिश हो रही है। किसी भी परिस्थिति का हमें डट कर मुकाबला करना है। कांग्रेस की ओर से भी कहा गया है कि पूरी पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय के साथ है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खोज खबर का सस्पेंस लगभग अढ़ाई दिनों बाद खत्म हो गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 4 फरवरी को होगी या नहीं, जाने अपडेट। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी को होगी या नहीं, इस पर स्टूडेंट में बड़ा कंफ्यूजन है। जेएसएससी की ओर से उनका एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जारी हो गया है, लेकिन स्टूडेंट यूनियनों की मांग ने अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले ऊहापोह की स्थिति में है कि 4 फरवरी को परीक्षा होगी या नहीं। उस दिन 317,000 अभ्यर्थियों को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में शामिल होना है। दरअसल 28 जनवरी को हुई परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले ने इन अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। एक ओर जेएसएससी ने सभी 735 परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 4 फरवरी की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार से ही उठे बगावत के सुर। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सियासी हलचल बढ़ी हुई है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने कहा कि कल्पना सोरेन स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन मेरी बेटी को आशीर्वाद दे। मेरे दिवंगत पति दुर्गा उराव ने झामो के स्थापना करने के लिए काफी संघर्ष किया है। उपेक्षा हुई तो अब चुप नहीं रहूंगी। मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ विधायकों के साथ दोबारा हुई बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें हैं। बैठक के बाद सभी विधायकों का हस्ताक्षर लिए गए हैं। इस दौरान सभी ने एक स्वर में कहा है कि हम सभी हेमंत सोरेन के साथ हैं। झारखंड में 9 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र 9 से 29 फरवरी तक होगा। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने मंगलवार को बजट सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 9 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होगी। हेमंत सोरेन सरकार 16 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। वहीं 19 से 26 फरवरी तक प्रश्नकाल, 27 से 29 फरवरी तक प्रश्नकाल, गैर सरकारी संकल्प, राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। 9 से 29 फरवरी के बीच शनिवार, रविवार और सरस्वती पूजा के दिन सत्र नहीं चलेगा। बता दें, 9 से 29 फरवरी तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। गोड्डा के सरकारी स्कूल में शिक्षक ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर की हत्या। झारखंड के गोड्डा जिले के पोडियाहाट थाना क्षेत्र के चतरा गांव में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में 2 शिक्षकों की हत्या कर दी गई है। इसमें हमलावर शिक्षक की हालात गंभीर है। स्कूल में कार्यरत शिक्षक ने अपने साथी शिक्षक व शिक्षिका को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में हमलावर शिक्षक स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। मृतकों में शिक्षक आदर्श सिंह 40 वर्षीय एवं सुजाता कुमारी 38 वर्षीय शामिल है। हमलावर की पहचान उसी स्कूल के शिक्षक रवि रंजन के रूप में की गई। घटना को लेकर जिले में सनसनी फैल गई है। पोडियाहाट थाना प्रभारी तारा चंद्र ने बताया है कि घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल पहुंचा। दिल्ली में हेमंत सोरेन आवास पर मिले 36 लाख रुपए। दिल्ली में हेमंत सोरेन के सरकारी आवास से 36 लाख रुपए मिलने की खबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंगलवार 30 जनवरी को राजधानी रांची के हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि मीडिया में खबर आई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। क्या किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके घर की तलाशी ली जा सकती है?
सुप्रियो भट्टाचार्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा है कि किसके हैं वो 36 लाख रुपए, क्या ईडी या बाबूलाल के द्वारा इसे प्लांट नहीं किया गया। झामो प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। उन्होंने कहा है कि जब राजनीति तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं तो केंद्रीय एजेंसियों की मदद से गुंडागर्दी करने लगे हैं। मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा ओएमआर सीट पर नहीं होगी। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में मंगलवार को झारखंड अधिविद परिषद जैक रांची द्वारा आयोजित मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के सफल संचालन को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश क्रिकेटा, सभी माध्यमिक केंद्र अधीक्षक एवं सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि 6 फरवरी से 26 फरवरी तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। परीक्षा एक ही टर्म में होगी। मैट्रिक की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से 1 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक आयोजित की जाएगी। मैट्रिक परीक्षा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगी। इंटरमीडिएट परीक्षा 24 पृष्ठों की सादी उत्तर पुस्तिका के जरिए होगी। ओएमआर सीट के माध्यम से निर्धारित परीक्षा प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाती है। दिल्ली में ईडी की दबिश के बाद रांची में दिखे सीएम हेमंत। नई दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 3 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की दबिश के बाद 30 जनवरी को सीएम राजधानी रांची में नजर आए। मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। यह पहला मौका है जब कल्पना सोरेन विधायकों की बैठक में शामिल हुई है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर अभी मुलाकात की। मीडिया और बीजेपी के मुताबिक उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री कहीं मिल नहीं रहे। अमित शाह इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री के सामने आने से पहले झारखंड में राजनीति हलचल तेज थी। लातेहार से 5 किलो का टिफिन बम बरामद। झारखंड में नक्सलियों की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। लातेहार में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो का टिफिन बम बरामद कर लिया गया है। सीआरपीएफ जवानों को मंगलवार को यह सफलता मिली है। लातेहार के मुरवाई गांव में सुरक्षा बलों ने टिफिन बम बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर जंगल में ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने इसे नष्ट कर दिया। सीआरपीएफ जवानों द्वारा जंगल व आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह से 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार बगोदर थाना क्षेत्र के नवाडी में छापेमारी कर पुलिस की टीम ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर क्रिमिनल में कोडरमा थाना क्षेत्र के बोकोबार निवासी अजीत कुमार दास, अनुज पंडित, हजारीबाग जिले के चलकुसा के शिवा साव और बरकट्टा के सूरज कुमार साव शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 21 मोबाइल फोन, 65 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, लैपटॉप, बाइक, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। ईडी के कार्रवाई के बीच रांची में इन जगहों पर लागू हुई निषेधाज्ञा। लैंड स्कैम मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के बीच राजधानी रांची में कई जगहों पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है। अनुमंडल कार्यालय सदर रांची की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि कई संगठनों की ओर से धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि की सूचना है। इसकी वजह से सरकारी कार्यक्रमों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, साथ ही यातायात की व्यवस्था भी बाधित हो सकती है। इतना ही नहीं, धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली के कारण विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। किसी भी सूरत में शहर में शांति भंग न हो, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने धारा 144 लगाने की घोषणा की है। झारखंड में सीडीपीओ के पद पर निकली वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। बता दें, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आमंत्रित की है। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। यह भर्ती अभियान बाल विकास परियोजना अधिकारी के 64 रिक्त पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। पलामू में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का रास्ता साफ। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पलामू में 10 से 15 फरवरी को बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना।
अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए पलामू के उपायुक्त के कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाने की आशंका पर आयोजन की अनुमति नहीं देने संबंधी 10 जनवरी के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया है। बता दें, अदालत ने कहा है कि प्रार्थी हनुमंत कथा आयोजन समिति 2 लाख लोगों के लिए बुनियादी सुविधा जैसे श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय, एम्बुलेंस, सीसीटीवी कैमरा आदि की व्यवस्था करेगी। समिति बुनियादी सुविधाओं से संबंधित एक्शन प्लान पलामू के उपायुक्त को उपलब्ध कराएगी। साथ ही अदालत ने पलामू जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि विधि व्यवस्था, ट्रैफिक तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं इस कार्यक्रम में मुहैया कराई जाए। जैक बोर्ड 11वीं और 9वीं परीक्षा की तारीख जारी। झारखंड एकेडमी काउंसिल ने कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी। परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। प्रवेश पत्र 15 फरवरी से झारखंड एकेडमी काउंसिल की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। स्कूल कॉलेज द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे। परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। 1 साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक विषय में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए विद्यार्थियों को 5 में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा राज्य में कक्षा 9वीं बोर्ड की परीक्षा 1 व 2 मार्च को होगी। प्रवेश पत्र 18 फरवरी से डाउनलोड होगा। 17 व 18 फरवरी को देवघर में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। अनुचिंतन फाउंडेशन इग्नू क्षेत्रीय केंद्र हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 17 व 18 फरवरी को हिंदी विद्यापीठ में किया जाएगा। इसका विषय पर्यावरण, संस्कृति एवं सतत विकास रखा गया है। यह बातें कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक सह हिंदी विद्यापीठ के व्यवस्थापक कृष्णानंद झा ने हिंदी विद्यापीठ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने बताया है कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य नए शोधार्थियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए और पुराने शोध विषय विशेषज्ञों को अपने ज्ञान को नए शोधार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। झारखंड के वित्त रहित हाई स्कूल अनुदान जमा करने का मामला। झारखंड के वित्त रहित हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूल अनुदान के लिए आवेदन जमा नहीं कर पा रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस माह अनुदान के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। स्कूल कॉलेज को 10 जनवरी से 10 फरवरी तक आवेदन जमा करना है। आवेदन जमा करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी पोर्टल के काम नहीं करने के कारण 30 जनवरी तक आवेदन जमा नहीं हो सका था। शिक्षक संगठन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन के लिए तिथि बढ़ाने की स्थिति में फरवरी के अंत तक आवेदन जमा होगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने किया हमला, 30 जवान शहीद, 14 घायल। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र टेकल गुडेम गांव में सीआरपीएफ कैंप पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 14 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हमले की सूचना मिलने के बाद मौके पर अतिरिक्त फोर्स को भेजा गया है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को सुकमा के जगर गुंडा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप स्थापित किया गया था। सुरक्षा बल जोनागुंडा अलीगुंडा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान जवानों के ऊपर माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कोल इंडिया मैराथन 2024 के लिए पंजीकरण की तिथि 5 फरवरी तक। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के द्वितीय कोल इंडिया मैराथन का आयोजन 11 फरवरी को रांची के मोराबादी में किया जा रहा है। कोल इंडिया मैराथन के रोमांच को देखते हुए पंजीकरण की समय सीमा के विस्तार करने की घोषणा कर दी गई है, जिससे प्रतिभागियों को इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। इसके पूर्व पंजीकरण 28 जनवरी को बंद होने वाला था जो कि अब 5 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही द्वितीय कोल इंडिया मैराथन के कुल इनामी राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस 29,70,000 रुपये से बढ़ाकर 33,12,000 रुपये कर दिया गया है। कोल इंडिया मैराथन 2024 के लिए पंजीकरण करने और इस खास आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण किया जा सकता है। धन्यवाद।